चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तरकाशी जिले में 1962 में भारत चीन सीमा पर उत्तरकाशी जिले में युद्ध हुआ था, जिसमें नीलांग और जादुंग के ग्रामीणों को अपने गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। वहीं ग्रामीणों को भारतीय सेना द्वारा बगोरी और वीरपुर डुंडा भेजा गया। वहीं 1962 से अभी 2024 में लगभग 63 वर्ष होने को आया है, तब से अब तक नीलांग और जादुंग गांव भारतीय सेना द्वारा चलाया और सेना की गतिविधियां इस गांव में होती रहती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। बता दें कि सीमाओं को दुश्मन वाली भारतीय सेना अब सीमा पर बसे प्रथम गांव नीलांग और जादुंग के विकास में भी योगदान देने जा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नीलांग और जादुंग गांव की पुनर्स्थापना के लिए सेना ने 7 योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है। इनके तहत गाँव में मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। जी हाँ, इसमें अभी हमारे यहाँ राजपूत राइफल्स आई हैं, उसकी यूनिट मिशन सद्भावना के अंतर्गत 7 प्रोजेक्ट्स वो अंडरटेक करना चाहते हैं हमारे वाइब्रेंट विलेजेस में, जिसमें मोस्टली वो जादुंग और नीलांग जो अनइनहैबिटेड विलेजेस हैं उसमें वो टेकअप करेंगे। पहला तो वो चाहते हैं कि एक कम्युनिटी हॉल बनाएं, दूसरा हमारे जो पुराने टेम्पल्स हैं नीलांग या जादुंग में वह उसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति के लिए वो एक आर ओ प्लांट बनाना चाहते हैं। नीला पानी एक जगह है ऊपर, वहाँ पे वो ग्रेजियर हट बनाना चाहते हैं। युवकों को रोजगार हेतु वो माउंटेनियरिंग का कोर्स कराना चाहते हैं, जिसके लिए वो NIM में एक कोर्स कराएंगे और बच्चों को या यूथ को माउंटेनियरिंग की किट भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसे टोटल 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो सेना चाहती है ऊपर नीलांग और जादुंग में करना। लैंड के लिए हम लोगों ने प्राइमरी सर्वे करा लिया है और एक दो दिन में उसका लैंड का प्रपोजल हम लोग बना के जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, ताकि कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जा सके। NOC के लिए जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जो पुरानी हमारे टेम्पल्स हैं, उसके रिनोवेशन के लिए भी कम्युनिटी में बात हो गई है और मीटिंग भी कराई जा चुकी है, उसको भी पुटअप किया जाएगा। और जो बच्चे या युवक जिनको चिन्हित करना है उनकी भी सूची बन गई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इस महीने के अंत तक इस स्कीम के अंतर्गत कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। देखो, वाइब्रेंट विलेज योजना में भी हमारे आपके 10 गांव हैं, 8 उसमें जो आबादी वाले गांव हैं जो नीचे हैं हमारे, हर्षिल हो गया, मुखबा हो गया, धरालीन हो गया और आपका बगोरी हो गया, जशपुर हो गया, और ऐसे हमारे 2 गांव ऐसे हैं जो आज की तारीख में डिजल्टेड है, जो आबाद नहीं है, उसमें नैलोंग और जाडोंग। तो जाडोंग में अभी बेसिकली जब 1962 में लगभग 22 परिवार वहाँ से नीचे आए थे, तो उनके लिए होमस्टे योजना का कार्य हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम चरण में 6 होमस्टे ले रखे हैं हमने, और फिर जो 17 होमस्टे हैं वो अगले चरण में लेंगे, और इसी प्रकार और भी जो अवस्थाना विकास वहाँ होना है उसके बारे में हमारी कार्य योजना बन रही है। कुछ हमने कुछ उसमें कार्य योजना भारत सरकार को भेजी है, कुछ अपनी सरकार को भेजी है उत्तराखंड सरकार को, तो जो जो प्रोजेक्ट हर विभाग के निकल रहे हैं उसको स्वीकृति होते रहेगी, काम करते रहेंगे। हाँ, नीलंग वालों के लिए जो है होम स्टे के लिए अभी तक कोई वो नहीं आ रहा, जदू में तो बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है इसका कोई कारण भी नहीं है। अब हम तो सरकार से यही पूछेंगे क्यों नहीं बन रहा है, वहाँ के बारे में कुछ बताया हमें नीलंग वालों के बारे में। हमारा हम चाहते हैं कि नीलंग वालों को एक दिन स्पेशली DM साहब द्वारा जो है उत्तराखंड में मीटिंग कराया जाए, और तो हमको इस बात का पता लग जाए, हमको विश्वास हो जाए कि हमें क्या करना है, आइए हमारे लिए क्या कर रहे हैं सरकार।